दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान की बात पे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप सपने में सब्जी बेचते हुए देखते हैं तो ये कैसा स्वप्न होता है, इसके माध्यम से समुद्र शास्त्र के माध्यम से या फिर स्वप्न शास्त्र के माध्यम से ये सपना किस ओर संकेत देता है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सपने में सब्जी का बेचना एक हिसाब से शुभ सपना भी होता है और दूसरे हिसाब से अशुभ स्वप्न भी होता है। ये सपना संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा धन की प्राप्ति हो सकती है। ये धन की प्राप्ति आपको व्यापार से हो सकती है, आपको अपने नौकरी से हो सकती है या फिर अपने रिश्तेदारों से हो सकती है। किसी भी प्रकार से आपको धन की प्राप्ति तो होने वाली है और अच्छे खासे मात्रा में प्राप्ति होने वाली है, लेकिन वो धन आपके पास टिक नहीं पाएंगे। किसी भी वस्तु को खरीदने में उस धन का आप खर्च कर सकते हैं या फिर वो धन अगर आपके पास ज़्यादा दिन तक रहे तो वो धन आपके चोरी हो सकते हैं या धन खो सकते हैं। इस और संकेत देने वाला होता है अगर आप सपने में सब्जी को बेचते हुए देखते हैं। खरीद बिक्री की अगर हम बात करें स्वप्न शास्त्र के हिसाब से, खरीद बिक्री के जो संकेत होते हैं वो खरीदारी के जो अवस्थाएं होती हैं उनमें आमतौर पे शुभ होती हैं और बेचने की जो अवस्थाएं होती हैं वो आमतौर पे अशुभ होती है। लेकिन सब्जी की अगर बात करें तो सपने में सब्जी बेचते हुए देखना एक हिसाब से शुभ भी हो जाती है और दूसरे हिसाब से अशुभ भी हो जाती है। एक हिसाब से ये शुभ होता है कि आपको कहीं से भी तो धन की प्राप्ति होने ही वाली है, लेकिन अशुभ इस हिसाब से हो जाती है कि वो धन आपके पास टिक नहीं पाएंगे। उस धन को आप अपनी इच्छा के अनुरूप कोई वस्तु खरीदने में खर्च कर सकते हैं या फिर अनफॉर्चुनेटली वो धन आपके पास से कहीं ना कहीं हिसाब से जा सकता है। बाकी हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें।